हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल के वड़े, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म वड़े बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रियल जायका को सब्सक्राइब करें। तो चलो चने दाल के वड़े बनाने की आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी दाल भिगाई है, इसे 3 से 4 घंटे सोक कर लें। देखो 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटी कटोरी में दाल अलग कर लूँगी। ये दाल बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी बाद में। अब जो बची हुई दाल है उसे दरदरा पीस लें। इसे पीसते वक्त ज़रा भी पानी ऐड ना करें, क्योंकि हम बाद में प्याज लेंगे, वो प्याज में ऑलरेडी पानी होता है, तो हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अब ये पीस चुका है, अब यहाँ पर हम हमारी चीज़ें ऐड करेंगे। जो मैंने चने अलग करके रखे थे वो ऐड करें, बारीक कटी हुई 2 प्याज ली है वो ऐड करें, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लीजिए यहाँ पे, 1 बारीक कटी हुई मिर्च, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, 1/2 बारीक कटा हुआ अदरक डालें, अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, नमक डालें स्वाद अनुसार, करी पत्ता बारीक काट के डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब यहाँ पे डालें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्ची, मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आप इसे डालें। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी तेल गरम कर लिया है। हम धीरे धीरे यहाँ पे हमारे वड़े बनाकर डालेंगे। मैं यहाँ पे गोल शेप के वड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी शेप के वड़े अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। एक एक करके इसमें वड़े ऐड करते जाइए, ऐसे ही सारे वड़े बनाने हैं हमें। बड़े हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल के सर्व करेंगे। मैंने मेरे चने के वड़े को टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। इस टमाटर की चटनी मैंने आई बटन में रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस चटनी के साथ ये वड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर इन गर्मा गर्म वड़ों की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए रियल जायका के साथ बने रहिए। थैंक यू।